हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, अभी शाम का टाइम है और मैं आई हूँ हम लोग का गांव का एक दुकान। मुझे यहाँ से कुछ चाहिए था एक्चुअली। मुझे किसी को गिफ्ट करना है, यानी पिंकी को गिफ्ट करना है। हाल ही में पिंकी का बर्थडे गया था, तो फिर लगा चलो आज मिल ही रहे हैं तो फिर उसके लिए कुछ ले चलते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर, मुझे ना बहुत अच्छा लगा यहाँ का कलेक्शन। मैं पहले भी आई थी जब यहाँ पर रहा करती थी ना, आती थी। और भी बहुत सारा दुकान है हम लोग के यहाँ। और हम लोग का गांव का ये जो मार्केट है ना, ये आप लोग अगर घूमोगे लगेगा नहीं कि आप लोग एक गांव का मार्केट घूम रहे हो, क्योंकि गांव में मतलब आपको बेसिक नीड मिल जाते हैं पर बहुत इतना कुछ नहीं मिलता। पर यहाँ का हम लोग का मार्केट जो है ना, यहाँ पर आप लोग को ज्वेलरी से लेके कपड़ा, मतलब एवरीथिंग, ऐसे कि यहाँ पर हॉस्पिटल, मतलब आपको फास्ट एड जितना कुछ जो कुछ चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो इसलिए ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा गाँव। मैं ये बोलती हूँ ना इनको कि गाँव का राजा है। तो जो भी है, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से क्लाउच ली, मुझे बहुत पसंद आया। पिंकी का हाल ही में बर्थडे गया था जैसे कि मैं आप लोग को बताई, तो फिर उसके लिए मुझे लेना है। तो इसी वजह से मैं ये वाला क्लाउच पसंद की, क्योंकि इसमें हैंग करने के लिए है, साथ में आप ऐसे में हैंड में भी पकड़ सकते हो इसको। तो फिर ये मुझे बोला ना, तुमको इतना पसंद आ रहा है तो तुम भी एक रख लो। तो फिर मैं बोली नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो फिर लूँगी। और भी बहुत सारा चीज़ देख रहे थे हम लोग, उसमें से एक छोटा सा दूसरा भी गिफ्ट लिए किसी और को देने के लिए। तो देखिए, मैं इनको बोली थोड़ा सा वीडियो कर दीजिए। पर क्या होता है कि गांव का जगह है ना, तो और सब कोई अपने होते हैं, और हम लोग का घर के सामने ही जस्ट है, मतलब आप लोग को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं घर पर जैसी थी वैसे ही निकल के आ गई, कुछ तैयारी नहीं की, शाम का टाइम था। तो फिर और यहाँ से जाने के बाद तुरंत निकलना है वहाँ के लिए, पिंकी से मिलने के लिए। तो हम लोग मिलेंगे वहाँ पर। और देखिए, चूड़ा ना बहुत सुंदर सुंदर था। मैं इनको बोल रही हूँ देखिए तो कितना सुंदर सुंदर चूड़ा है। तो बोल रहे हैं कि तुमको लेना है कि? मैं बोली नहीं, अभी तो नहीं लूँगी, क्योंकि अभी लूँगी ना तो फिर पहनूंगी नहीं, क्योंकि ये सब तो अभी थोड़ी अच्छा लगता है, नया नया, मतलब शादी टाइम ही ये सब पहना जाता है। तो वहाँ से मैं क्लाउच ली और बस कुछ नहीं ली। तो देखिए, यहाँ पर आ गई, वो दोनों मेरे लिए वेट कर रहे थे। मैं थोड़ा सा लेट हो गई एक्चुअली, बेटी को समझा रही थी कि मेरे साथ चलो चलो चलो, पर वो आई नहीं। बोली नहीं, वहाँ पर मून नहीं होगी तो फिर मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और साथ में आप लोग तो ये दोनों को पहचानते ही होंगे, ये पिंकी है और वो चाची है, मतलब चाची कम है, दोस्त ज़्यादा हैं वो हम लोग के। तो ये है हम लोग का अभी फिलहाल, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हूँ मैं ये दोनों से। तो देखिए, अभी हम लोग का सब कुछ ऐसे ही, यहाँ पर बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ था, आप लोग देखे ही थे। तो इसी जगह में हम लोग मिले, जैसे कि बैठ के थोड़ा सा बातें करना, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। और हम लोग का डिनर भी आ चुका था, बैठ के हम लोग काफ़ी देर तक बात किए। पर इस बार क्या हुआ ना, सिचुएशन ऐसा नहीं रहा कि हम लोग बातें करेंगे। पिछले साल भी आई थी तो फिर मैं थोड़ा बहुत ही बात कर पाए थे हम लोग, एक दो घंटे के लिए ही मिले थे, वरना हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हम तीनों, तो नहीं हो पाया था इस बार। और उस दिन पिंकी और चाची दोनों सासू माँ से मिलने आए थे, पर वो लोग उस दिन ना ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाए थे, तो हम लोग अच्छे से बात नहीं कर पाए थे। और बेटी के बर्थडे दिन तो उस दिन थोड़ा सा हड़बड़ी रहता है, तो फिर हम लोग अच्छे से उस दिन भी बात नहीं कर पाए। तो लगा कि चलो भाई और एक दिन प्रोग्राम करते हैं, जब बैठ के थोड़ा सा बातें करते हैं और ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि माँ बाबा और बेटी तीनों घर पर हैं। तो इसी वजह से हम लोग जल्दी खाए, और फिर भी ना हम लोग जो हुआ कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठे। और वो दोनों को तो आप लोग देखे ही हैं बेटी के बर्थडे टाइम, पीछे ब्लैक और वाइट टी शर्ट में जो थे वो हैं महापात्रा बाबू, और सामने जो बैठे थे वो मामू हैं। एक्चुअली सबको ही उनको मामू यहाँ पर बुलाते हैं, तो ये चाचा जी हैं, इनको पहचानते हैं, और वो तो मेरे भाई हैं मानू। तो देखिए, ऐसे ही है हम लोग का अभी का ग्रुप है ये सब। अभी हम लोग मजा मस्ती करते हुए खा रहे हैं। और ये जो टाइम था ना, मैं इनको बोली थोड़ा सा अगर वीडियो क्लिप नहीं लेते हैं तो क्या होगा जानते हैं? अभी सिचुएशन जैसा है, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, और ज़िंदगी ना मिले ना मिले दोबारा। तो इसी वजह से हमने इस पल को कैद कर लिया कि चलो भाई ये रहे, और ये अगर कैद करती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर तो करना ही है। ऐसा कुछ खास नहीं है वीडियो में, बस हम लोग मिले कैसे और बातें किए, बस यही सब है। फिर भी मैंने इसको रख लिया, चलो आप लोग भी देखोगे, आप लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और सही बात है कि ये टाइम जो है बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है। बस भगवान से यही प्रे करेंगे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और पहले की तरह हो जाए, हम लोग अच्छे से फिर से टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो आज का वीडियो तो बहुत ही छोटा है, 4-5 मिनट का ही वीडियो होगा। मेरे ख्याल से मैं इतना छोटा वीडियो कभी नहीं पोस्ट की थी। तो प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं ना कोई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसमें भी ऑल कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा। तो यही छोटा वीडियो के साथ आज के लिए बाय बाय। नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।